अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विभिन्न संगठनों को देख रहे हैं, इनमें से एक संगठन है आपका I2U2 संगठन। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में देखें तो कई सारे नए नए संगठन समूह उभर कर सामने आ रहे हैं, जो दुनिया की भू राजनीति को एक नए सिरे से गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से एक संगठन है आपका I2U2 संगठन, जिनमें से ये देशों के नाम पर ही हैं, दो आई हैं दो यू हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से देश हैं और इसमें एक समझौते का नाम बहुत आ रहा है, अब्राहम समझौता। ठीक है कि अब्राहम समझौता के कारण ये संभव हो पाया। तो इसमें चार देश हैं, इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जानते हैं कि ये चार देशों का आपस में एक क्वाड क्रिएट किया गया है। इसमें I2 में इंडिया और इसराइल हैं और U2 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। ठीक है, ये जो है टोटल चार देश हैं, चारों देशों का मानचित्र। अभी इनकी जुलाई 2022 में I2U2 समिट भी हुई थी, तो ये काफ़ी चर्चा में आपका अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो एक गठबंधन है आपका जो अब्राहम समझौते के बाद उभर कर सामने आया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा अब्राहम समझौता क्या है। देखिए, 15 सितंबर 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, इसराइल के प्रधानमंत्री थे उस समय बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात के और बहरीन के, इनके जो विदेश मंत्री थे, इनकी मेजबानी की थी। और इस समझौते के तहत, अब्राहम समझौते के तहत, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा या अरब राष्ट्रों के द्वारा इसराइल राष्ट्र को क्या की गई है, मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि इसराइल अरब विवाद काफ़ी लंबा और काफ़ी पुराना विवाद रहा है, तो एक तरीके से औपचारिक रूप से इसराइल को एक राज्य के तौर पर, एक देश के तौर पर अरब राष्ट्रों के द्वारा इससे माना गया है। और एक तरीके का देखा जाए तो पिछले 26 वर्षों में ये एक आपका अरब इसराइल शांति समझौते के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और पहले क्या कर रहे थे, ये अरब राष्ट्र खासकर बहरीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इन सभी देशों के द्वारा फिलिस्तीन, जो कि एक विवादित क्षेत्र है, वहाँ पर एक जगह है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये पूरा विवादित क्षेत्र है, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में विवाद है, तो फिलिस्तीन के कब्जे वाला वेस्ट बैंक को जोड़ रहे थे, उसको लेकर एक परियोजना चल रही थी, उस परियोजना को भी इन्होंने क्या किया, रोक दिया। तो भारत, आपको पता है कि विश्व शांति की दिशा में हमेशा एक अग्रणी राष्ट्र के तौर पर रहता है, भारत ने अब्राहम समझौते का स्वागत भी किया और भारत ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को विकसित करने की दिशा में इस तंत्र की बहाली में भारत भी प्रयासरत था। भारत चाहता था कि, देखिए, भारत के और इसराइल के संबंध जग जाहिर है, काफ़ी लंबे समय से हमारे, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो या फिर हमारे देश के तकनीकी विकास की बात हो, उसमें इसराइल की एक अग्रणी भूमिका रही है। तो ऐसे में भारत चाहता था कि इसराइल को इस क्षेत्र में, एक तो अरब देशों के साथ उसके संबंध सामान्य हो सके और खाड़ी क्षेत्र में एक विकास कार्य को बहुत प्रभावी बनाया जा सके। तो खाड़ी देशों के साथ इसराइल के मजबूत संबंध हो, बहुआयामी संबंध हो, सामाजिक आर्थिक संबंध हो, इन सभी क्षेत्रों पर भारत की एक चाह जो थी वो इब्राहिम जो है एक तरीके से समझौते के साथ देखी जा सकती है। पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने में भारत एक सेतु के तौर पे काम करता है। ठीक है, यदि हम पश्चिम एशिया और जो है साउथ ईस्ट एशिया, जो ये आपकी खासकर आसियान कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच में भारत एक सेतु के रूप पे है, भारत के साथ जुड़ना ही पड़ेगा इनको। और भारत भी चाहता है कि पश्चिम एशिया की जो एक तरीके से रणनीतिक उसका महत्व है और सामरिक महत्व है, हम भी चाहते हैं कि हम पश्चिम एशिया को थोड़ा सा महत्व प्रदान कर रहे हैं इस समय, और हम चाह रहे हैं कि खाड़ी देश और इसराइल के मध्य जो समझौते हों, ये सामान्य हो जाएं आपस में और ये क्षेत्र पूरा विकास कार्य में आगे बढ़ जाए, क्योंकि एशिया को आने वाले समय पर हम लीड करेंगे, तो ऐसे में इस तरीके की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो I2U2 समूह जो आपका बना है अभी हाल फिलहाल में, एक बहुत महत्वपूर्ण समूह बना है इस दौरान, जो इस देश, इसमें जो चार देश ये जुड़े हैं, एक तरीके से इसको हम वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जानते हैं, तो इन चारों देशों के आपस में
ये भी कोई सैन्य संगठन नहीं है, जैसे कि क्वाड के बारे में मैंने बताया था कि क्वाड एक सैन्य संगठन नहीं, वैसे I2U2 भी एक क्वाड संगठन, एक सैन्य संगठन नहीं है। साथ ही ये क्या है, विभिन्न संभावित क्षेत्रों पर इन चारों देशों के द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाएगा, चाहे वो जल क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो, अंतरिक्ष क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, खाद्य सुरक्षा क्षेत्र हो, या बुनियादी अवसंरचना निर्माण क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों पर भारत के द्वारा या इन जो सदस्य देश हैं I2U2 के, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, एक संयुक्त निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। आपस में एक दूसरे के साथ बुनियादी ढांचे को बनाने में, निजी पूंजी को बढ़ावा देने में, विशेषज्ञता का एक दूसरे के उपयोग करने में, उद्योगों में निम्न कार्बन उत्सर्जन की दिशा में उपाय ढूंढने में, जन स्वास्थ्य सुधार करने में, उभरती हुई ग्रीन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, इन सब के विकास में बढ़ावा देने में ये देश आपस में आकर के जुड़ करके पश्चिम एशिया को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, ये एक तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा मंच आपका बना है, जिसको हम I2U2 के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले अब्राहम समझौता 2020 में हुआ, ठीक है, और इसके बाद ये आपका समूह बन के आया I2U2। तो ये आर्थिक सहयोग के लिए एक आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, बस ये इस रूप में देख सकते हैं I2U2 को, कैसा है, आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच। हाँ, एक दूसरे के साथ संयुक्त निवेश, संयुक्त उद्यम, तकनीकी और ये सब चीज़ों में आपस में साथ में जोड़ना, ठीक है। तो सुरक्षा सहयोग को भी तलाशेंगे आने वाले समय पे, ये देश आपस में एक दूसरे की सुरक्षा को लेकर के भी प्रयास करेंगे। साथ ही प्रत्येक देश तकनीकी का एक केंद्र है, जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, एक दूसरे की समस्याओं को समझना, चाहे वो तकनीकी हो, व्यापार हो, जलवायु हो, COVID-19 हो, इन सभी मुद्दों को सुलझाव देने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाज़ार को भी इससे फ़ायदा होगा, एक बड़ा भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाज़ार है, यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, और भारत लगातार अब नई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है, उच्च तकनीकी वाले अत्यधिक मांगों की सामानों की यहाँ पे लगातार डिमांड है, तो भारत को इस ग्रुप से फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका है तकनीकी के तौर पे आपके पास, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात बेसिक अवसंरचना निर्माण और निवेश को चले करके एक बड़ा राष्ट्र है, भारत का सहयोगी, और इंडिया के लिए आज वर्तमान में इसकी आवश्यकता है, तो ये एक ग्रुप बनाया गया। हाँ, आर्थिक मंच के तौर पे ही इसे विकसित किया गया है। और चीन थोड़ा सा इसे एक तरीके से वही बात जैसे क्वाड के साथ चीन कर रहा है, शंका की दृष्टि से देख रहा है सबसे पहले, क्योंकि इसमें अमेरिका और भारत हैं, ये दोनों देश हैं, तो I2 और U2 ये पूरा समूह जो है, चीन को लग रहा है कि आने वाले समय पे ऐसा ना हो जाए कि ये मुझे इधर से घेरने की तैयारी हो, इधर से तो ये आपस में घेर लिए समुद्र से, अब मुझे ये इधर से भी घेर करके मेरी जो परियोजनाएं हैं या उनके साथ भी आपस में दिक्कत करें, तो उनको लग रहा है कि अब भारत उसे घेर रहा है विभिन्न ग्रुपों में जुड़ करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर वो एक शंका की दृष्टि से भारत को देख रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए I2U2 समूह लिखिए, इसमें लिखिए पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में कई नए नए संगठन एवं समूह उभर कर सामने आए हैं। यह समूह दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। नए सिरे से गढ़ रहे हैं। आपसी सहयोग एवं साझेदारी के लक्ष्यों पर आधारित
आपसी सहयोग एवं साझेदारी के लक्ष्यों पर आधारित चार चार पांच पांच देशों के ये समूह अपने रणनीतिक हितों को ज्यादा प्रभावी बनाने में लगे हुए हैं। अपने रणनीतिक हितों को ज्यादा प्रभावी करने में लगे हुए हैं। हाल ही में एक ऐसा ही नया समूह उभर के आया है जिसे I2U2 समूह के नाम से जानते हैं, जिसे I2U2 समूह के नाम से जानते हैं। 14 जुलाई 2022 को इस समूह का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। I2U2 पहल पर भारत इजराइल I2U2 पहल पर भारत इजराइल यूएसए और यूएई का एक नया समूह बनाया गया है समूह के नाम पे I2 का अर्थ है भारत और इजराइल। समूह के नाम पर I2 का अर्थ है भारत और इजराइल, जबकि U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। I2U2 को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में या यह पश्चिमी एशिया क्षेत्र में होने वाले भू राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाता है इस समूह की अवधारणा का जन्म अठारह अक्टूबर 2021 के चार देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अस्तित्व में आई थी। समूह में शामिल प्रत्येक देश सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श के लिए नियमित अंतराल पर शेरपा स्तर की बैठक करते हैं। शेरपा स्तर मतलब राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर
शेरपा स्तर की बैठक करते हैं। समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। संयुक्त उद्देश्य को बढ़ावा देना है, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। अर्थात I2U2 आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर विकसित हो रहा है। यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर विकसित हो रहा है, यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। सैन्य गठबंधन नहीं है। I2U2 बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने उद्योगों के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन के उपाय ढूंढने जन स्वास्थ्य में सुधार करने तथा उभरती हुई हरित तकनीकी के विकास में बढ़ावा देने को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे I2U2 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मंच आपका बन के कई मामलों पर, कई मुद्दों पर उभरता है। कैसे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ मानचित्र, यदि इसका मिल जाए हमें, मानचित्र में एक बार देख लेते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाँ, पर्यावरण के ध्यान में रख करके, जैसे अभी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आधारित, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो इजराइल है, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है ना आपका पूरा का पूरा, ये वाला क्षेत्र तो समुद्र से जुड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपका UAE है यहाँ पे, तो ये आपका फारस की खाड़ी है आपकी, ये आपका भूमध्य सागर क्षेत्र है। तो आप देखिए यहाँ पर आप पा रहे होंगे कि दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस पे, एक तो समुद्री सुरक्षा का मसला मध्य पूर्व देशों में सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में भारत को देखा जाए, चीन को संतुलित करने के दिशा में एक बड़े कदम के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें समुद्री देश भी हैं और साथ साथ, तो ऐसे में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन करके उभर सकता है। ठीक है, ये आपके देश है, ये वाला पूरा का पूरा, ये आपका इसराइल है, ये आप देख रहे हैं इसराइल के जस्ट ऊपर लेबरान है। देखिए यहाँ पे, यहाँ का एक बार भू राजनीतिक मानचित्र देख लेते हैं। ये आपका मिस्र है, पूरा इजिप्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ से जो है एक क्या की गई है, नहर बनाई गई है आपकी, ये नहर बनाई गई पूरी, स्वेज नहर जिसे बोलते हैं, जो जोड़ता है आपका
पूरे के पूरे किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसके बाद ये आपका देश है इसराइल, इसी को यहाँ पे पूरा एरिया मिडिल ईस्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे लेबनान है, ये देश है, ये इधर का देश जॉर्डन है, ये जॉर्डन है आपका, ये सऊदी अरेबिया है, ये सीरिया है, यहाँ पे इराक है, और ये आपका है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, और यहाँ पे ये एक देश है छोटा सा बहरीन, ठीक है। तो जो आपका अब्राहम समझौते की बात हो रही है, अब्राहम समझौता यूएई बहरीन इनके द्वारा अमेरिका के मध्यस्थता में हुआ है, जिसमें इसराइल को क्या की गई है, मान्यता प्रदान की गई है। तो एक तरीके से इस क्षेत्र में जो भू रणनीतिक स्थिति है उसमें बदलाव देखने को मिला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में दो तीन बातें और लिख लीजिए, लिखिए इस समूह के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा के मसले, और मध्य पूर्व के देश शामिल हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। ऐसे में चूंकि आपको पता है कि चाइना की एक पॉलिसी है कि वो समुद्री क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है, समुद्री क्षेत्रों में अपने सैन्य ठिकाने बना रहा है, समुद्री क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यहाँ पे देखो बैठ गया है आके, यहीं पे आपका जिबूती है, एक छोटा सा देश है, यहाँ पे आके बैठ गया, नीचे मानचित्र में दिखेगा नहीं, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, ये है आपका जिबूती, यहाँ पे, तो यहाँ पे आके बैठ गया है। तो अब जिस तरीके से चीन बैठता जा रहा है, ऐसे में भारत को बहुत ज़रूरी है कि एक सक्रिय भूमिका के तौर पे आए। तो पहला मुद्दा समुद्री सहयोग भी यहाँ पे चूंकि इस एजेंडे में है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपस में, तो उन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिहाज में भारत चाइना को काउंटर कर सकता है, ठीक है, इसी बात को लिखवा रहा हूँ। मध्य पूर्व शामिल है, ऐसे में भारत के लिहाज से इन दोनों बिंदुओं पर चीन को संतुलित करने की दिशा में एक यह बड़ा कदम होगा। जाहिर है कि इस समूह से मध्य पूर्व में भारत का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा और उसके रणनीतिक हित ज़्यादा सुरक्षित होंगे ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए भारत के लिए I2U2 का महत्व, अब देखिए एक बहुत बड़ा भारत के पास एक कह सकते हैं डायलेमा में थे, हमारी सबसे बड़ी दुविधा थी कि हम अरब राष्ट्रों से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते थे, क्यों, सबसे पहली चीज़ इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे, ठीक है, दूसरा क्या है, हमारी ऊर्जा आवश्यकता पूरी होती है, हमें तेल चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन इराक है या गल्फ कंट्री में सऊदी अरेबिया है या तो हमारा संयुक्त अरब अमीरात है, ये सारे देश हैं, एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर कंट्री हैं, तो हम इनसे अपने रिलेशन नहीं ख़राब करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हम नहीं चाहते थे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ हमारे संबंध में किस तरीके का प्रभाव पड़े। तो ऊर्जा आवश्यकताओं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अब चूंकि इसराइल के साथ भी हम अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते थे, तो जो ये अब्राहम समझौता हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, जिसमें इसराइल को मान्यता प्रदान की गई है अरब राष्ट्रों के द्वारा और एक शांति डील की गई है, तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बिना किसी खतरे में कि हम किसका पक्ष लें, हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, समझ रहे हैं, हम अब इनके साथ भी और इसराइल को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो पहला सबसे बड़ा महत्व भारत के लिए ये रहा है, तो लिखिए भारत के लिए पहला जो महत्व है, भारत के लिए खाड़ी देश भारत की ऊर्जा आवश्यकता तथा भारतीयों की व्यापक उपस्थिति या कह सकते हैं इंडियन डायस्पोरा या फिर लिख लीजिए भारतीय डायस्पोरा
डायस्पोरा का मतलब है, इंडियन डायस्पोरा का मतलब है भारतीयों का जो बिखराव है, विभिन्न देशों में हमारी उपस्थिति है। तो भारतीय डायस्पोरा की व्यापक उपस्थिति और उनके हितों को संरक्षित करने में, व्यापक उपस्थिति और उनके हितों को संरक्षित करने में इनका सदैव महत्व रहा है। इनका मतलब खाड़ी देशों का, इनका सदैव महत्व रहा है। ऐसे में भारत संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब राज्यों के साथ, भारत संयुक्त अरब अमीरात एवं अन्य अरब राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना, अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए, इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अब्राहम अब्राहम समझौते को साथ लेकर चल रहा है। अब्राहम समझौते को महत्व प्रदान कर रहा है, ये लिखिए, अब्राहम समझौते को महत्व प्रदान कर रहा है। यहीं पर थोड़ा सा आप लोग नोट करके अब्राहम समझौता लिख लीजिए, लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। भारत ने मान्यता प्रदान कर दी अब्राहम समझौते को महत्व, सब ने नहीं किया है पर कुछ, बिल्कुल करेगा। देखिए 15 सितंबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अब 15 सितंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, 15 सितंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए, जब कोविड चल रहा था सब इधर उधर की बातें कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप अपना काम करवा रहे थे, इसराइल के लिए, इसराइल एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है क्योंकि वहाँ पे यहूदी कम्युनिटी है और तकनीकी के क्षेत्र में ये कम्युनिटी सबसे आगे है, तो आज अमेरिका की तकनीकी में एक बड़ा रोल है, ठीक है, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता इसराइल को तकनीकी के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की, संयुक्त अरब अमीरात, ये चारों देश आपस में साथ में जुड़े, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की। इस समझौते के अनुसार यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल राज्य को मान्यता दी, साथ ही फिलिस्तीन कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को, साथ ही फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ, फिलिस्तीन के कब्जे वाले, साथ ही फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को जोड़ने की अपनी योजना रोक दी, अपनी योजना को रोक दी। वस्तुतः अब्राहम समझौता 26 वर्षों में पहला अरब इजराइल शांति समझौता है।
26 वर्षों में पहला अरब इसराइल शांति समझौता है। तो अब देखो दोनों के लिए फ़ायदा, भारत खुल कर के इसराइल के साथ अपने संबंधों को और अरब देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर पाएगा, ठीक है, अपने अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने समझौतों को मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में भारत को मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको अब्राहम समझौता के बारे में दो चार बातें थी। कहाँ पे थे हम लोग? वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही थी यूएई के द्वारा, हाँ उसने रोक दिया उसको, ठीक है। दूसरा अब काम क्या है? पहला काम तो ये हो गया कि कहाँ से आ गए हम लोग, यहाँ पे थे। पहला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया कि हमारा अरब राष्ट्र और इसराइल के बीच में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करने की दिशा में एक समस्या थी, वो एक समाधान की ओर चल रही है। दूसरा चीज क्या है? अब हमारे बाजार को, भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, एक बड़ी डिमांड है, उच्च तकनीकी की डिमांड है, और ऐसे में हम लगातार आत्मनिर्भर योजना भी चला रहे हैं ताकि उस तकनीकी का वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इस ग्रुपिंग से भारत को भी फायदा होगा, उसकी तकनीकी चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि निवेश प्राप्त होगा हमें और उसका हम उपयोग कर पाएंगे इन चीज़ों के लिए। तो लिख लीजिए, चूँकि भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, दूसरा पॉइंट, चूँकि भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है और लगातार तकनीकी के क्षेत्र में, लगातार तकनीकी के क्षेत्र में तथा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत है, तथा लगातार उच्च तकनीकी के क्षेत्र में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत है, ऐसे में इस ग्रुपिंग से, ऐसे में इस ग्रुपिंग से भारत को फायदा होगा, ठीक है। तीसरा फायदा, चीन को प्रतिसंतुलित करने की दिशा में, ठीक है, एक तरीके से चीन के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, तो इसको भी लिख लीजिएगा। इस गठबंधन से भारत को पश्चिम एशिया में प्रभाव स्थापित करने में, इस गठबंधन से भारत को पश्चिम एशिया में प्रभाव स्थापित करने में एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी, एक रणनीतिक बढ़त मिलेगी। बढ़त मिलेगी जो चीन को प्रतिसंतुलित करने, चीन को प्रतिसंतुलित करने तथा भारत को राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन निर्मित करने में मददगार साबित होगी, मददगार साबित होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक नया ग्रुप, I2U2 ग्रुप। स्पष्ट है? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल के लिए हेडिंग डालीजिए विश्व बैंक और IMF। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक और IMF, एक साथ और क्या, दोनों को बहने बोला जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में एक साथ बनी थी, अल्टीमेट गोल भी उनके सेम ही है, तो एक ही साथ बनेंगे, इसलिए इनको जुड़वा बहने, वो ट्विंस पैदा हुए थे, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक बैंकों का ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 प्रकार की महत्वपूर्ण जो है संस्थाएँ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कल। IDA क्या है और IBRD क्या है, ये सब कल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।